ये बात है 2010 की। जैकलीन नेतिपाई किपलिमो ने झेंगकाई मैराथन के दौरान कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया को स्तब्ध कर दिया। किपलिमो ने एक विकलांग प्रतियोगी को पानी पीने के लिए संघर्ष करते देखा। वह प्रतियोगी एक डबल एम्पिटी था तथा पानी की बोतल नहीं घोल पा रहा था। किपलिमो ने उस प्रतियोगी से आगे निकलने की बजाय उसका साथ दिया, उसे पानी पीने में सहायता दी। साथ ही 6.2 मील के निशान से 23 मील के निशान तक वह उस प्रतियोगी के साथ दौड़ी, जिसका अर्थ हुआ लगभग 28 किलोमीटर वह अपने प्रतिद्वंदी प्रतियोगी के साथ साथ में दौड़ी। पर इसका परिणाम यह हुआ कि वह जिस रेस में सबसे आगे चल रही थी, अंत में उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। दूसरे स्थान पर आने के कारण उन्हें 10,000 अमरीकी डॉलर का नकद पुरस्कार प्राप्त हुआ, जबकि वह इससे कई ज़्यादा धनराशि जीत सकती थी। पर किपलिमो ने उस दिन दुनिया को दिखाया कि उनके लिए दयालु होना, एक दूसरे की मदद करना, मानवता का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाना उस दौड़ को जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जिसकी तैयारी के लिए उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष लगा दिए थे।